अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टैक वाइन यूट्यूब चैनल। आज आपको इस वीडियो में ये सिखाया जाएगा कि अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो दोनों तरीक़ों से कैसे आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपना फेसबुक ऐप ओपन कर लें। ऐप ओपन करने के बाद मैं यहाँ से अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ ताकि जिनको पासवर्ड भूल गया उनके लिए भी आसानी हो। अगर आपको पासवर्ड आता है आप फिर भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूँगा। तो यहाँ से मैं अपने इस अकाउंट को रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर जिस भी नंबर पर या ई मेल एड्रेस पर आपका अकाउंट बनाओ आपने उसको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल टाइप करता हूँ। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी गलत पासवर्ड टाइप कर ले, कुछ भी करने के बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा। लॉगिन करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आ गया, हैव यू फॉरगॉटन योर पासवर्ड। तो यहाँ से भी कर सकते हैं और ये लॉगिन के नीचे भी है फॉरगॉटन पासवर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना अकाउंट सर्च करें जिस भी नंबर पे या ईमेल पे जो भी आपने जिस पे भी बनाई थी अपनी आईडी उसको आप यहाँ पे सर्च करें। तो मैं अपना सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरा अकाउंट आ जाता है, यहाँ पर वो नाम भी दिखा रहा है और ईमेल भी दिखा रहा है। तो इसके लिए आपको ये ईमेल भी लॉगिन होना ज़रूरी है आपके फ़ोन में ताकि आप यहाँ पे कोड एंटर कर सकें। ये आपको एक कंफर्मेशन कोड भेजेंगे आपकी ईमेल पे या आपने जो भी नंबर प्रोवाइड किया होगा जिस पे भी आपने अपना अकाउंट बनाया है। तो आपके अगर आपने नंबर दिया हुआ है तो नंबर पे आपके टेक्स्ट आ जाएगा कोड, और अगर नहीं तो आपकी मेल पे कोड सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में अपनी ईमेल लिंक लॉगिन की हुई है, तो आपके अगर फ़ोन में लॉगिन होगा तो आपके ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। इन्होंने मेरी मेल पे कोड सेंड किया है ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कि ये मेरा ही अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं अपना ब्राउज़र में जाता हूँ। आप अपने फ़ोन के मेल में जाएं, वहाँ पे आपको ये कोड शो होगा। तो ब्राउज़र में जाने के बाद ये फेसबुक की तरफ से मुझे मेल आया हुआ है, तो ये कोड सेम टू सेम आप यहाँ पर कॉपी करें, 131914 ये मेरा कोड था। तो मैं करने के बाद लॉगिन, और फिर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, लॉग मी आउट फ्रॉम ऑफ अदर डिवाइसेस। सेकंड वाले पे क्लिक करें तो बाकी जितने भी डिवाइसेस में आप लॉगिन थे तो सबसे लॉग आउट हो जाएगा। तो ये देखें आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, टाइप अ न्यू पासवर्ड, यहाँ से आप अपना एक न्यू पासवर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी अपना पासवर्ड रख लें, मैं भी कुछ भी चेंज कर लेता हूँ। चेंज करते ही आप जो भी वैलिड पासवर्ड होगा तो चेंज पे क्लिक करने के बाद ये अब मेरा अकाउंट मेरे पास वापस रिकवर हो चुका है। बाकी जितने भी अकाउंट लॉगिन थे वो सब लॉग आउट हो चुके हैं और इस वक्त मैं लॉगिन हूँ इस अकाउंट से। तो जिन लोगों को इस मेथड की समझ नहीं लगी उनके लिए मैंने ये छोटा सा दूसरा क्लिप रिकॉर्ड किया है। आप सेटिंग में आए, ये राइट कॉर्नर पे तीन डॉट हैं, तीन लाइन और मेन्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग में आए, सेटिंग एंड प्राइवेसी, और फिर सेटिंग पे आप टैप करें। सेटिंग पे टैप करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, तो आपने यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इसमें जाने के बाद आप ये जहाँ पे लॉगिन लिखा है इसके नीचे चेंज पासवर्ड, आप यहाँ से अपना पासवर्ड इजीली चेंज कर सकते हैं। आप करंट पासवर्ड, फिर जो आपका इस वक्त पासवर्ड होगा जो आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको नहीं याद तो पहले वाले मेथड से आप करें, और फिर आपका न्यू पासवर्ड, और फिर आप न्यू पासवर्ड को कन्फर्म करें थर्ड नंबर पर। कन्फर्म करने के बाद आप सिंपल चेंज पर क्लिक करें, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। जिसको समझ नहीं लगी वो कमेंट में पूछ सकता है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द मिल जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।